बिहू ताल दे रही है, इकट्ठा कर रही है। वाह। आज हमारे घर में सारे गर्म कपड़े अंदर रखे जा रहे हैं दीवान में, क्योंकि अब सर्दी आ जाए। ओए आराम से है भैया, आराम से। अरे भैया, तो आज हम जा रहे हैं रशी को लेने बाइक से। रशी सुबह सुबह स्कूल जा रही थी, कहती पापा मुझे छोड़ के आओ। मैंने कहा भाई अभी तो मैं सो रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो गया था, लेकिन पक्का वादा मैं आपको लेने आज बाइक से आऊंगा। कहते बाइक से आना, नहीं तो मैं स्कूल से आऊंगी नहीं आज। रशी पीहू, चलो पीहू, हो गया भैया। गेट तो खोलो भैया। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल। हम सोच रहे हैं आज हम बनाएंगे, ये बनाते हैं ग्रीट पास्ता। मंगा लिया हमने, जल्दी रेडी हो जाओ मेरा बनने वाला पास्ता। चीज हमारी ऑलरेडी रेडी है, जब मैं खाता ही हूँ। पास्ता हमने उबाल लिया और ये हमारी पास्ता सॉस। अरे वाह, अरे दोनों की सेम। ये हम लोग का पास्ता है, मम्मी का मैंने अलग से निकाल दिया क्योंकि मम्मा को रेड सॉस नहीं चाहिए। हमारा लंच हो रहा है आज पास्ता का। हमें ये छोले देखने से आलू लग रहे हैं, बढ़िया नेपाली स्टाइल छोले। पास्ता एंड मेरा प्रोटीन शेक, शुरू करते हैं। अरे 2:30 बज गए, मेरी मीटिंग का टाइम होगा। चलो हो गया मेरा टाइम। कैसा पीहू, कैसा पापा ने बनाया, कैसा है पीहू? पापा की चाय कहाँ है? पापा की शादी। किसकी शादी? मैं भी। आपकी शादी? हाँ। शादी करोगे? हाँ। पहले डायपर तो उतार लो। शिका मंडे को लास्ट डे है, तो क्या कह रही है, क्या करूंगी स्कूल में? मैम को जाके हगी करूंगी जो पक्की। इतना प्यार करता अपनी मैम से। नहीं तो मैंने रशी को कहा कि क्या बात है, सेम बच्चे तो अगली सारे बच्चे थोड़ा, सारे बच्चे रहेंगे सेकंड क्लास में, तो खाली तुम जाओगी। कहती नहीं, सेक्शन अलग हो जाएगा तो मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करूंगी। ये देखो कहाँ चल रही। आज की डेट में एज आई स्पीक राइट नाउ हमारी काउस गुजरात से चल चुकी है और वो 3 दिन में यानी 18 तारीख को आ जाएंगी। बट मुझे कल सुबह चेन्नई निकलना, तो मैं 18 को हूँ नहीं। तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि जब पहली गौ माता हमारे लिए तो भगवान है, जो हमारे फार्म की लैंड पे जब वो पहला कदम रखेंगे तो मैं वहाँ होऊंगा नहीं। आई लात मार गई। शाम के 6 बजे हम नहा लेते हैं और फिर जिम निकलते हैं। मेरी थोड़ी आदत है कि मैं नहा के जिम जाता, लोग जिम से आके नहाते हैं, बट मेरी उल्टी आदत है। रितु भी गई है बाहर थोड़ा सामान लेने और स्पेशली घर पे आटा बिल्कुल जीरो है, रात की रोटी नहीं बन सकती मैं घर पे। तो अभी हम बाजार से जो ब्रांडेड आटा वो नहीं मंगाते, भले वो होल वेट मिलता हो। रितु जाके स्पेशली पिसवा के लाती है, तो अच्छा मोटा आटा, और मतलब उस रोटी की एक बाइट लेते ही पता चल जाता है भाई अलग चीज। चले को गर्म खाना दीजिए, गर्म में भी थोड़ा गर्म से खाया नहीं आ रहा, गर्म है बहुत गर्म है, साइड से चाट रहा बेचारा। होम दिन को करते हैं समाप्त। कल मैं निकल रहा हूँ चेन्नई, बता दो आपको चेन्नई क्यों जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि मेरी बैक हमेशा टेढ़ी होती रहती है, फिर मैं अल्लू अर्जुन बन जाता हूँ पुष्पा और मैं ये करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान 14 अक्टूबर को मेरी बैक टूट गई थी, पापा मैच देखने आए थे, अहमदाबाद जाने का प्लान था, टिकट इतनी मुश्किल से जुगाड़ी थी, टूट गई बैक, टूटती रहती, लखनऊ में टूट गई थी। तो बेसिकली उसका इलाज मैं कराने जा रहा हूँ एंड उसको जड़ से मिटाने के लिए फिंगर्स क्रॉस देयर इज अ टीम वेरी गुड डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट ओवर देयर। मैं पूरी जर्नी अपनी डॉक्यूमेंट करके आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स आते हैं, लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप, हमें भी सेम प्रॉब्लम है लेटरल शिफ्ट की, आपकी कैसे ठीक हुई। तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको सिर्फ व्लॉग में बोल के, क्योंकि ना जो डॉक्टर की सलाह होती है वो आप बोल के नहीं बता सकते, क्योंकि सलाह कुछ गलत बोल दो या किसी को कुछ गलत समझ में आ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जब मैं वहां जा रहा हूं तो मैं आपकी बात डॉक्टर से करवा दूंगा, ये क्यों होती है, कैसे होती है, जो जिम करते हैं स्पेशली लोअर बैक का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपने पोस्चर का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आई थिंक ये दिक्कत बहुत लोगों को, हजारों लोगों को होगी कि उनकी लेफ्ट और राइट साइड इम्बैलेंस होती है। ऋतु को भी ये दिक्कत है, मैंने कहा था चेन्नई चल रहे मेरे साथ बट बच्चे हैं तो क्या होता है, आपका राइट और लेफ्ट इंबैलेंस होता है। आपका वेट अगर 70 किलो है तो दोनों साइड के पैर या दोनों साइड की बॉडी 35-35 लेनी चाहिए, लेकिन अगर एक 32 ले रही है और एक 38 ले रही है तो उतना आपको इंबैलेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि 3 किलो का इंबैलेंस। हम जब वेट उठाते हैं, मान लो हमने 150 किलो का वेट उठा लिया, तो भाई वही बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो जाता है, समझ रहे हो। एक तरफ अब कैलकुलेशन कर लेना भाई, विद द व्हेन द वेट इंक्रीजेस, अब जैसे कोई 100 किलो का बंदा है उसका फिर 40 और 60 हो जाएगा, तो जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा, सो व्हेन यू लिफ्ट हैवी वेट द इंबैलेंस बिकम्स मोर, और फिर वो लेफ्ट और राइट में इंबैलेंस बहुत बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि एक साइड आपका बहुत काम करता है, दूसरा साइड बहुत कम काम करता है, तो जो बहुत काम करता है थोड़े दिनों बाद या 6-7-8 महीने बाद वो बोल जाता है, क्योंकि इतनी पावर है नहीं उसके पास, इतना लोड आ गया, तो फिर आप पुष्पा बन जाते हैं, सारा बॉडी का लोड एक साइड पे आ जाता है। तो यही दिक्कत है, तो कल निकलते हैं चेन्नई। सबसे खुशी की बात, हमारी गौ माता आज चल चुकी है गुजरात से, आई एम सो हैप्पी। हमारी प्यारी जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। लेकिन दुख की बात है कि मैं होऊंगा, मैं ऋतु को कह रहा हूँ कि ऋतु आप अगर हो तो वहाँ जाके गौ माता की पूजा कर देना जब वो पहला कदम हमारे फार्म में रखे, बट देखते भी क्या होगा। The next day, leaving for Chennai. रीच्ड एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 से फ्लाइट आज ये बेस्ट है बनाने, यहाँ भीड़ बहुत कम, बिना भागे बिना रश के आज हम फ्लाइट पकड़ क्योंकि अकेले रिकॉर्ड है भाई, बिना धर्म पत्नी के हमेशा।
पहुंच चुके हैं, लेकिन चेन्नई आते हम एयरपोर्ट से उतरते हमेशा एयरपोर्ट से तब निकलते जब हम यहाँ पे कॉफी पी लेते हैं। काम करने के लिए बढ़िया से डेस्क, बाहर का व्यू देखते हैं। ओए होए सुंदर, ओए बीच है यार। लीला की एक खासियत है कि जहाँ पे भी होता है व्यू बहुत, मतलब ये लोग प्रॉपर्टी जो लेते हैं लोकेशन सोच के लेते हैं, बड़ी अच्छी लेते हैं लोग, तो मेन बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोग लैंड में। ये हमारा क्लोजेट रूम है यहाँ पे, मतलब एक बंदे के लिए तो बहुत ही ज्यादा, एक बंदा मतलब सो जाए, बेडरूम बन जाए उसका भाई, ऊपर बच्चे चला दो अपने, मतलब ये देख पूरा जैसे फर्स्ट क्लास एसी का कोच है भाई पूरा प्रॉपर। और बाथ भी बहुत ज्यादा बड़ा है, ये वेटिंग एरिया बाथरूम। जिंजर टी और सीधा आते आते मेरे पैर ठंडे पानी में सोख दिए। इट हैज टू बी देयर फॉर 3 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स लेफ्ट? 1 मिनट 35 सेकंड्स लेफ्ट। प्लीज एक्सप्लेन एंड डिस्ट्रैक्ट मी। सी देयर आर ओनली इन 3 एरियाज इन आवर बॉडी पार्ट्स गॉट ग्लैबरस सेल्स, ओके? वन इज लाइक पाम ऑफ आवर हैंड्स, द सोल ऑफ आवर फुट एंड द फेस, ओके? व्हेन वंस वी पुट योर फुट ऑन द कोल्ड वाटर थेरेपी, माय फीट इज नम नाउ। Just for 3 seconds, since it's the first day, you will feel in that. So every day we will do the same thing, huh? Dopamine and noradrenaline, which will be very important for your focus, memory, cognition, energy kind of stuff. If you're going to do it for 7 days, the 8th day, the energy level will be 3x. Consider your energy level of like 1x today. You will see the remarkable difference in your life. Sure. So, भाई नम हो चुका है, पता नहीं ये लोग पूरी पूरी बॉडी कैसे घुसा देते हैं। सो अभी हम लोग दूसरे रूम जा रहे हैं, बट मेरे पैर अभी भी नम है। अभी हम लोग आए हैं होटल से निकल दूसरी जगह में। सो ये हमारा डेक्सा स्कैन है। दिस विल टेस्ट आवर बोन स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी, राइट सर? या। व्हाई इज द बॉक्स केप्ट फॉर? टू कैलिब्रेट? क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी चेक। माय जीन्स, बिकॉज कोई मेटल नहीं हो सकता जीन्स में। आ गया ये ना बटन, ये होनी चाहिए। Exact analysis he has done. ऊपर तो बहुत सारी समझा दी, बट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सो लेफ्ट आर्म, तो ये मशीन यार इतनी गजब मशीन है, मुझे पता नहीं था इसके इतने अच्छे रिजल्ट है। सो इट इज शोइंग दी लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। माई लेफ्ट आर्म वेज 7 kg एंड माई राइट आर्म इज वेइंग 7.9 kg, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम आई केम हेयर फॉर, बिकॉज आई नो माई बॉडी हैज इम्बैलेंस एंड आई वॉन्ट टू करेक्ट दैट। सो दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, बिकॉज देन वन साइड ऑफ द बॉडी वर्क्स मोर, वन साइड ऑफ द बॉडी वर्क्स लेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। Then you know what happens, my body snaps, my whole body bends to one side and lower back it snaps. Left leg is 16 kilos, right leg is 16 points. So, my right side is heavier. My right side snaps and then you know what happened? Have you seen that movie Pushpa? Yeah. I become like this. Pushpa, and then I walk like this. Like this. Because right side, it's more, this area, okay. Gets spasm. Okay. Because this muscle is overworked. Yeah. Always. So then after 6 months it says I'm not working anymore. Okay. I'm overworked and I shift like this. Like this. And this is a very good test and I recommend everybody should take this test. I used to feel like my strength is different in left and right side, but the weight is also different. I never knew. So it will show your bone this density. Blue color is all muscles. Blue color is all muscles. Yeah. This yellow and red dot AO. See here, it is a fat. Yeah. No, don't show the fat on camera. So ye test karne ke liye mujhe sare metals utarne the is machine pe jaane ke liye. To ye anguthi meri is finger pe thi, kaan par meri thi, mamma ne. Ye dekho bhai. क्योंकि इसको पहन के मैं डेडलिफ्ट करता हूँ, अब ऐसे बार पकड़ा तो ये हाल हो गया, उतर ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से तेल लगा के उतारी अभी। तो अभी हम जा रहे हैं अपना पोस्चर ठीक करने, जो कि मुझे पता है मेरा खराब ही आएगा। बट आंख बंद करके बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है। ट्राई दिस वन, द ग्रिप स्ट्रेंथ, माय लेफ्ट हैंड इज दिस मच, 30 के आसपास। सेम चीज अगर मैं राइट से ट्राई करता हूँ भाई, देखो 65 पहुंच गए, कितना स्ट्रॉन्ग हो गया राइट आर्म। डूइंग सम एक्सरसाइजेस, एक मिनट में कितना कर सकते हैं? पुशअप लगाए, आपने लगाई स्क्वाट्स लगाई, नाउ प्लैंक इज लेफ्ट। प्लैंक्स तो मेरे नहीं हुए। सो फर्स्ट हाफ ऑफ आवर ट्रीटमेंट इज डन, अभी होटल वापस जा रहे हैं। मेरी जो ग्रोइन एरिया है, हैमस्ट्रिंग एरिया, वो बहुत ज़्यादा टाइट था, एंड बाकी हमने स्ट्रेंथ करी और पोस्चर का भी हमने किया, फोटोज निकाली। आई कैन फील व्हाइल वॉकिंग माय काफ्स आर फीलिंग लाइट। तो इतना बड़ा डंडा लेके ऐसे घुसाया इन्होंने, तो क्या यू ब्लॉक द वेन्स, द ब्लड स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल एंड देन यू रिलीज इट, तो पुफ करके जैसे प्रेशर ना पाइप आवाज पुफ से छोड़ा, तो कुछ वो फंडा होता है। एंड काफ में तो बहुत ज़्यादा मेरे को, क्योंकि जब भी मसाज भी करता ना स्पा में, तो भाई काफ मत छेड़ियो,
वो तो मेरी लात पड़ जाएगी। आई हैव अ सेंसिटिव कॉफ। तो अभी वापस जा रहे हैं, लंच करेंगे, इसके बाद देखते हैं शाम का प्लान क्या है। उन्होंने मुझे खाने के लिए टर्मरिक लाटे दिया है जो कि कोकोनट मिल्क से बना, जो कि बहुत अमेजिंग है। रूम पे क्योंकि मेरी मीटिंग अभी, इसलिए मैं रूम पे भाग के आया। लंच इज कंप्लीट, रेस्ट इज कंप्लीट, भयंकर नींद आ रही है एंड वी आर बैक फॉर फेज नंबर टू फॉर डे नंबर वन। एक दिन में दो बार करते हैं, बिफोर लंच आफ्टर लंच। आफ्टर लंच जैसे कॉलेज में था नींद आती थी, क्लास जाने का मन नहीं करता था, भयंकर नींद आ रही। बॉडी पोस्चर नाउ हाउ बैड इट इज। दिस इज योर फ्रंट साइड व्यू। This green line is a normal line. Okay. This red line is your standing line. Okay, you'll see here it is little bit deviated. Because of too much phone usage, huh? Yeah, because of too much phone usage and then the sitting posture. So it all sitting posture yeah. also. So but you see here, this ear pinna and your shoulder should be normal line. Oh. Only it is a normal. Oh. So now you're like this. So you can see green is the normal yeah. one. Red is my posture. Yeah. So my ears are shoulder ke aage hai. Yeah. It should be on top of your shoulder. Then see, this is your spine backside alignment. A few moments later. शाम हो चुकी है, CSK की टीम शाम को जाती है प्रैक्टिस करने, निकल गई होगी वैसे, लेट हो गया। वर्कआउट इज डन, आज काफ़ी अलग तरीके का वर्कआउट किया, सर की ट्रेनिंग करी आज। अभी जा रहे हैं थोड़ा सोना करने, बिकॉज वो है मुझे सोना करना है रोज़, रात को सोना, सुबह उठते ही आइस, तो वो ट्रैक करेंगे। जिम डन, सोना डन। सोना बहुत अमेजिंग था। मैं हमेशा ऐसे जब मैं फ्लाई करता था एज अ पायलट, तो हमेशा होटल्स में स्टे मिलता था, बट मैं सिर्फ जिम करके रूम एंड कभी सोना, स्टीम, स्विमिंग पूल कभी नहीं एक्सप्लोर किया, बट आज किया, करना चाहिए भाई। अच्छा लगा सोना करके, मजा आ गया लाइक, एंड शावर भी ले लिया। बोनस टिप टू ऑल द यंगस्टर्स जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उनको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो नहाने के बाद एक पानी पीजिए, वो तो मैं नहाने के बाद मॉइस्चराइज योर स्किन, और स्किन को मॉइस्चराइज करिए ऊपर से और अंदर से पानी से। दारू नहीं पीनी है, पानी है भाई। रात में ये चाय पिलाई हमको, कैमामाइल टी दे गए हैं, ये तीन कैप्सूल है, इसमें एक मैं थिंक शिलाजीत मेलाटोनिन और एक कुछ और चीज़ है, और स्पेशली बोल के गए सर आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी है, सुबह उठ के सूरज की पहली किरण देखना है, तभी ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा। मैंने सीखा है एक दिन में, यहाँ पे कहते हैं सर 70% लोगों की प्रॉब्लम्स वो ठीक हो जाएंगी अगर वो सर्कैडियन बॉडी क्लॉक ठीक कर ले। मैंने कहा मेरी तो बहुत बिगड़ी हुई है भाई, कहते सर वही ठीक करनी है आपको, तो ये खा के सो जाओ और जल्दी उठना और रात को इंटरनेट बंद कर दो, क्योंकि आधी से ज़्यादा दिक्कत होगी वही।